नमस्कार, मैं रंजन सैनी और आप देख रहे हैं बिजनौर एक्सप्रेस। बिजनौर में हुई राष्ट्रीय महिला खो खो खिलाड़ी की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। 10 सितंबर को महिला खो खो खिलाड़ी बबली की निर्मम हत्या कर शव को स्टेशन के नज़दीक स्लीपर के बीच में फेंक दिया गया था। पुलिस ने घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त रस्सी और अन्य सामान बरामद कर लिया है। आपको बता दें कि बिजनौर की कुटिया कॉलोनी निवासी अंतर्राष्ट्रीय खो खो खिलाड़ी बबली 10 सितंबर को नौकरी के लिए फॉर्म जमा करने निकली थी। घर लौटते वक्त रेलवे स्टेशन के पास शहजाद नाम के एक युवक ने दुष्कर्म की नीयत से उसे दबोच लिया था। दबोचने के बाद दोनों में काफ़ी देर तक हाथापाई हुई थी, जिसके बाद आरोपी शहजाद ने बबली को रस्सी से गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया था और घटना को अंजाम देकर फरार हो गया था। डीआईजी मुरादाबाद एसपी बिजनौर ने मैं फोर्स के साथ घटना स्थल का निरीक्षण किया था और मामले में खुलासे को लेकर टीम का गठन किया गया था। पुलिस ने आज हत्या का खुलासा कर दिया है। गांव आदमपुर निवासी शहजाद को पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त रस्सी सहित गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस आरोपी को जेल भेजने की कवायद में जुट गई है। बिजनौर से तुषार वर्मा की एक खास रिपोर्ट। दस सितंबर के अपराह्न में बिजनौर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म के सन्निकट बबली नाम की एक 24 वर्षीय बालिका, जो खोखो की राष्ट्रीय प्लेयर थी, उसकी गला दबा करके हत्या कर दी गई थी। घटना का अनावरण आज किया गया है। उसके परिप्रेक्ष्य में जो साक्ष्य संकलित हैं, अभियुक्त शहजाद उर्फ खादिम बिजनौर से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर आदोपुर गांव का रहने वाला है। यह पल्लेदारी का काम करता है। इसके पहले वह रेलवे स्टेशन पर चोरी के मामले में आरपी एक्ट के तहत 3 बार जेल में जा चुका है। उस दिन यह पल्लेदारी के काम से ही आया था, अक्सर आता है, हैबिचुअल कमर है एवं ऑफेंडर भी है। दूसरा, इस लड़की को जाते समय देखा था। आते समय उसके तात्कालिक वैचारिक उद्वेग के कारण एक घटना कारित की गई। उसके गले में जो चुन्नी थी और एक रस्सी थी, उसको गले में जो स्लीपर के बीच में जो गलीज टाइप के थे, गैलरी टाइप के थे, उसमें ले गया, खींचा। लड़की उस दौरान टेलीफोन से वार्ता कर रही थी अपनी किसी दोस्त से, टेलीफोन गिर गया। कुछ लोगों के आहट हुई आने के भी, तो जो भयभीत होने के कारण घटना कारित नहीं हुई। किसी प्रकार का व्यभिचार, वहाँ से भागा मोबाइल फ़ोन ले करके, क्योंकि उस पर कॉल आ रही थी, बात हो रही थी। उसके फ्रेंड ने, जिससे बबली की बात हो रही थी, उसने स्थानीय लोगों को सूचना दिया, अपने दोस्त को, फिर आकर के देखा लोगों ने, फिर पुलिस को सूचना मिली। उसके बाद घटनास्थल निरीक्षण, स्थानीय पुलिस बल, GRP, SWAT, सर्विलांस, फील्ड यूनिट, SPCT, क्षेत्राधिकारी, मेरे द्वारा किया गया। विधिक कार्रवाई करते हुए पहले तो GRP में मुकदमा कायम हुआ, फिर सिविल पुलिस में मुकदमा कायम हुआ। DIG रेंज महोदय द्वारा स्वयं घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। अनावरण हुए तो विशेष टीमों का गठन किया गया। जो मौके पर चप्पल मिला था, पूरा अभियुक्त ने दूसरा चप्पल उसके दूर थोड़ी दूर पर बरामद कराया। जो स्ट्रगल के दौरान बबली के साथ जो शहजाद उर्फ खादिम का जो स्ट्रगल हुआ, उसके जो स्ट्रगल मार्क है, संघर्ष के निशान, वो देखा गया। उसका डॉक्टर परीक्षण हुआ। ब्लड स्टेन, जो खून के धब्बे जो घसट टाइप में उसके शर्ट में लगे थे, उसके घर से बरामद हुआ। यद्यपि उसकी पत्नी ने शर्ट को धो दिया था, फिर भी खून के उस पर धब्बे थे। मौके पर जो बटन शर्ट का टूटा था, वो दो बरामद हुआ, उस शर्ट से मिलान हुआ। बिजनौर की सभी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।